वाराणसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के हरहुआ क्षेत्र में हाफ कंट्री रेस के आयोजन में जमकर हंगामा हुआ, भगदड़ मच गई। दरअसल इस रेस में शामिल होने आए युवाओं ने जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। दरअसल आज काशी कृषक इंटर कॉलेज मैदान से रिंग रोड तक हाफ कंट्री रेस कार्यक्रम का आयोजन होना था। इस दौरान युवाओं ने सपा नेता रमाकांत यादव समेत दूसरे मुख्य अतिथियों को दौड़ा लिया, तो सपा नेताओं के बीच भी भगदड़ मच गई। काफी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से हालातों को काबू कराया। आरनाइन टीवी की स्पेशल तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, तो किस तरह से यहाँ पर भगदड़ मची, काफी हड़कंप यहाँ पर मचता हुआ दिखाई दिया, वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन और इस कार्यक्रम में किस तरह से भगदड़ मची और काफी मशक्कत इन हालातों को काबू करने में पुलिस को उठानी पड़ी। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, एसपी कार्यक्रम में जमकर हंगामा, भगदड़ देखने को मिली। देखिए, ये कार्यक्रम सुबह से ही चल रहा था, मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें ये छात्र जो लोग आए थे उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि इसमें जो आयोजक थे वो जो आए हुए अगल बगल के जिलों से आए हुए जो दौड़ने वाले लोग हैं उनसे इस मैराथन में दौड़ने के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे और उनसे चीट किया जा रहा था, जिसको लेकर वहां पर पूरा जो छात्र गोल था वो भी भड़क गया और जो लोग आए थे इसमें हिस्सा लेने वो लोग भी भड़क गए। स्थिति ये हो गई कि पूर्व सांसद हैं आजमगढ़ के, उनकी गाड़ी पर पथराव लोगों ने किया और तोड़फोड़ करने की कोशिश की। इसी बीच वाराणसी पुलिस मुस्तैदी से पहुंची वहां पर। बिल्कुल राजू, फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिली है, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस भगदड़ को लेकर? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था वहां पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं थी, जिसकी वजह से इस तरह की घटना हुई। हालांकि अब मौके पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई कि आगे कोई घटना ना हो पाए। जो घायल व्यक्ति है उसके इलाज के लिए उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल राजू, कितने लोग यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं और जो लापरवाही यहाँ पर सामने आई है कि उतने पुख्ता इंतजाम नहीं थे, क्योंकि पहले से ही अंदेशा यहाँ पर होगा कि जब इस तरह का कार्यक्रम तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, तो ऐसे में जो लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की देखने को मिली है सुरक्षा को लेकर, इस लापरवाही पर क्या कुछ कहना प्रशासन का? देखिए, सुरक्षा में एक बड़ी चूक है, क्योंकि जिस तरह इतने लोग आसपास के जिलों से, लगभग पूर्वांचल के हर जिले से लोग यहां पर आए थे इस मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने के लिए, और सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए थे महज 3 से 4 थानों की फोर्स यहां लगाई गई थी, और जो लोग थे इसमें वो भारी संख्या में आए हुए थे, जिसका वाराणसी पुलिस को अंदाजा नहीं था, जिसकी वजह से इस तरह की घटना सामने आई है। फिलहाल एक गंभीर रूप से घायल है और आधा दर्जन लोग जो है वो हल्की फुल्की चोटें उनको आई हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।